ये लगवाए रेवा के रवानी से जितेंद्र सिंह सिसोदिया। मैंने केले का प्लांट लगाया और ये रेवा का है, इससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट। ये जो आप देख रहे हो ये मात्र 10 महीने का है, ये 10 महीने का है, बंच भी अच्छा है और एक समान। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा प्लांट 1 महीने के अंदर पूरा कटिंग हो सकती है, ऐसा मेरे को प्लांट को देख के लग रहा है। तो पूरी तरह पौधे सुरक्षित है, कंप्लीट है, 15 रोज में कटिंग आ जाएगी। मैंने 15 मार्च को लगाया था, ये फायदेमंद की दृष्टि से देख रहा, और अन्य किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि बढ़िया वेराइटी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, आज हम रेवा के प्लॉट पर खड़े हैं और आज हम हमारे किसान मित्र से बात करेंगे। तो सर, आपने ये रेवा के पौधे कब तक लगाए थे और इसमें फूल कब तक आए? देखिए, ये हमने 15 मार्च को लगाया था प्लॉट, और इसके जो फूल बूटे जो हम बोलते हैं हमारी सामान्य भाषा में, वो सितंबर में निकल आए थे, और सितंबर से अक्टूबर और नवंबर में पूरा मतलब बूटा निकल के बाहर हो गया। इसमें जैसे समस्या आती हैं, अन्य बीमारियां, सीगा टोका और CMV वायरस, ये सब रही या फिर कुछ आप बताएं इस बारे में? देखिए, हमारे यहाँ प्लांट में जो है सिंगा टोका वगैरह, दूसरी वेराइटियाँ जो लगी हुई है वहाँ पे थोड़ा देखने को मिला है। बाकी हमारे प्लांट में मैं क्या, हमारे फील्ड मैनेजर भी जो आते थे उनसे भी मैं डर से ये पूछता था ये बात कि सर हमारे यहाँ कुछ सिंगा टोका वगैरह ये स्प्रे करवाओ, तो वो बोलते थे कि नाजायज फिजूल खर्च क्यों करते हो, ये जो है तुम्हारे यहाँ ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये सिंगा टोका जो है हमारे यहाँ तो देखने को नहीं मिला। आपने कितने एकड़ में लगाया और आप देख ही सकते हो कि इसका बंच का साइज बहुत बढ़िया और बेहतरीन है, लगभग कितना कुछ प्रोडक्शन आ जाएगा? ये 3 एकड़ में लगाया है, 4500 पौधे लगे हैं इसमें, और बंच को देख रहे हो इसका वेट भी मेरे को लगता है कि कहीं भी 20 किलो से ऊपर का है, और अच्छा उत्पादन का अनुमान लगा सकते हैं प्लांट को देखते हुए। तो आप अन्य किसान साथियों को क्या सलाह दोगे? मैं अभी तो फिलहाल की स्थिति में सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि केले की फसल बहुत अच्छी है, और उसमें भी जो है रेवा जो है ये आप खुद देख सकते हो, रेवा का माल बढ़िया है, और अन्य मेरे प्लांट को किसान देखते हैं उससे आकर्षित भी होते हैं और मुझसे पूछते हैं कि यार ये तुमने कौन सी वैरायटी लगाई है। मतलब आप किसानों को चाहते हो कि इस बार किसान भी रेवा की वैरायटी लगाएं और वो भी बेहतरीन उत्पादन पाए? हाँ बिल्कुल, मैं जो भी किसान मेरे से इस बारे में बात साझा करते हैं तो मैं यही राय देता हूँ कि अन्य वेराइटियों से भी बढ़िया है, और सिंगा टोका नाम की जो बीमारी ज़्यादा अभी प्लाटों में चल रही तो वो हमारे यहाँ देखने को नहीं मिली, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ इससे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो किसान मित्रों, मैं आप सबको यही सलाह देना चाहूँगा, तो इस बार आप रेवा के पौधे 100% सब्सिडी के साथ हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।